ऑफ वाटर। यहाँ से सबसे पहले ये वाली जोड़ेंगे इसको, यूज कर देना है। इसके बाद इसको खींच लेना है। बाद में ये जो दोनों वाइट कलर के वायर्स हैं ये वाला और ये वाला, इसको रिमूव कर देना है दोनों तरफ से। ये जो दोनों व्हाइट कलर्स के वायर है इसको रिमूव कर देना है। बाद में इसको ओपन कर देना है इस तरह से। ये दोनों व्हाइट कलर के वायर्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ से ये स्क्रू आपको निकाल लेना है। उसके बाद नीचे की साइड पे भी ये जो स्क्रू है इसको भी आपको निकाल लेना है। ओके चालू। ये स्क्रू आपको निकाल लेना है ये वाला। उसके बाद यहाँ से जो ऊपर वाला स्क्रू है वो भी आपको निकाल लेना है। ये निकल जाने के बाद यहाँ से जो ये वायर है इसका जो बोल्ट है उसको भी इस तरह से लूज कर देना है। बाद में ये वाली पाइप हल्की सी ये वाले का पीस के आपको ये जो पूरा पार्ट्स है वो बाहर निकाल लेना है। बाद में अब ये मोटर निकालने के लिए आपको इस तरह से फ्लैट वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है। और बाद में यहाँ से आप अंदर डाल के इसको बाहर निकाल सकते हो। मोटर को हल्का हल्का आपको बाहर निकालना है, हर तरफ से आपको थोड़ा थोड़ा ही सिर्फ बाहर निकालना है। दोनों साइड से धीरे धीरे करके आप इसको बाहर निकाल सकते हो। बाद में ये मोटर आपकी बाहर निकल जाएगी, जो हमने दो वायर निकाले थे वो भी बाहर निकल जाएगी। और आपके पास अगर इसका स्पेयर है तो वो आपको यहाँ से वापस फिक्स कर देना है। अगर ये मोटर में आपको ये ब्रश चेंज करने हो तो इसके लिए आपको ये जो वायर्स है इसको ओपन करके निकाल लेना है यहाँ से और यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से ये वाला जो पिन है इसके अंदर उसको प्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये ब्रश अपने आप इस बाहर निकल जाएगा। आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको वापस इस ब्रश को इसके अंदर डाल देना है, नए वाले ब्रश को, और वापस पिन को अच्छी तरह से ओपन कर देना है ताकि वो वापस बाहर ना निकल जाए। ओके। इसके बाद अंदर की जो पिन है उसको हल्के से आपको स्क्रू ड्राइवर से ऊपर की तरफ खींच लेना है ताकि ये वापस बाहर ना आ जाए। दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से ब्रश को चेंज कर सकते हो। बाद में आपको इसको वापस पहले ये वाली जो रिंग है इसको आप बाहर निकाल दीजिए। ये वाली रिंग को इस तरह से आप इसके पीछे से, और यहाँ पे जो होल है वो यहाँ पे जो होल है वो उसको मैच करना चाहिए। मोटर पे यहाँ पे जो पिन है उसके साथ आपको ये वाला जो रबर का है गास्केट उसको मैच कर लेना है। इसके बाद ये जो दो वायर्स हैं इसको वापस अंदर डाल देने हैं और यहाँ से आपको दो वायर्स बाहर निकाल लेने हैं। यहाँ पे दो वायर्स बाहर निकल जाने के बाद आपको ये जो मोटर है इसको यहाँ पे
इस तरह से फिक्स कर देना है, पुश करके अच्छी तरह से। हाथ से भी आप पुश करोगे तो भी वो हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से पुश कर देना है ताकि जब आप यहाँ पे फिक्स करो तब ये मोटर यहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको पूरा जोर लगा के इसको अंदर की तरफ हर तरफ से पुश करके आपको लगा देना है। आप देख सकते हो हो गया है। उसके बाद जो दो वायर्स हैं हमने जहाँ से ये निकाले थे वायर्स यहाँ पे, दोनों वाइट वायर्स है ये दोनों हमने जो ब्लू वायर्स के साथ निकाले थे उसके साथ लगा देना है। एक एक को इसके बाद यहाँ से भी आप इसको लगा सकते हो। इसके बाद आप इस पे इंसुलेशन टैप है, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन टैप, आप उसको लगा सकते हो। या फिर आपके पास इस तरह से हीट पाइप है तो आप उसको भी गर्म करके इस पे ऊपर लगा सकते हो। आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर आपके पास टैप है तो आप टैप लगा लीजिए, या फिर आपके पास पाइप है तो ये पाइप लगा लीजिए। तो आपको उसके बाद ये लगा लेना है। इस तरह से पाइप आती है, आप इस पाइप को लगा के इसके बाद इसको गर्म करके आप इसको फिक्स कर सकते हो। आप इसको हॉट गन से या फिर सोल्डर मशीन से या फिर किसी भी गर्म चीज़ से आप इसको हल्का सा गर्म करना है, या फिर इस तरह से लाइटर या फिर माचिस होगी आपके पास तो ये आपको लगा के, सिर्फ आपको हल्का हल्का लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा जल ना जाए, इसी तरह से आपको सिर्फ लगाना है। तो ये पूरा वायर के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगा और निकलेगा भी नहीं। आपके पास अगर लाइटर है तो आप लाइटर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर हॉट गन है, या फिर सोल्डर मशीन है, कुछ भी है आपके पास गर्म करने, या फिर किसी भी मेटल की चीज़ को गर्म करके बाद में आप इसके ऊपर लगा सकते हो। इसके बाद ये सारी चीज़ को अच्छे से यहाँ पे आपको एक केबल टाई लगा के आपको इसके ऊपर इस तरह से केबल टाई लगा लेनी है। आपके पास अगर केबल टाई नहीं है तो आप इसके ऊपर टैप भी लगा सकते हो ताकि ये मिस अरेंज ना हो जाए, इसीलिए सिर्फ लगानी है। आपके पास अगर केबल टाई नहीं है तो आप इसके ऊपर टैप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसको यहाँ पे केबल टाई लग जाने के बाद ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से अंदर रख देना है। ध्यान रखना है ये वापस बाहर ना निकल जाए, ये जो हमने जॉइंट किया है वो ओपन ना हो जाए, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद आपको वापस ये लगा के यहाँ पे ये जो है रिंग इसको वापस टाइट कर देना है। इस तरह से आपको टाइट कर देना है। इसके बाद ये जो मोटर है उसको यहाँ से हल्के पहले पाइप को अंदर डालिए दोनों तरफ से धीरे धीरे। उसके बाद इसको आप बाद में यहाँ से ये जो हमने नट्स और स्क्रू निकाले थे ये आपको वापस लगा देने हैं। आप यहाँ पे ये जो स्क्रू है उसको टाइट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ भी एक स्क्रू है, उसके बाद ये जो नीचे की तरफ की स्क्रू है इसको भी आपको लगा देना है।
अच्छी तरह से। बाद में हमने जो ये वायर्स का निकाला था उसको उसको भी आप लगा दीजिए। इस तरह से अब आपका मशीन रेडी होगा। उसके बाद यहाँ से जो एयर की पाइप है उसको वापस बाहर निकाल लेना है यहाँ से। उसके बाद ये जो फिल्टर है हमारे पास इस तरह से आते हैं, इसको इस तरह से करके बाद में आपको यहाँ पे लगा देना है फिल्टर को। दोनों साइड इस तरह से आप फिल्टर को लगा सकते हो।